दोस्तों पिछले 2 दिन के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी में डाउनफॉल देखने को मिला है वो एक अभी तक का सबसे बड़े डाउनफॉल्स में से माना जा रहा है। क्योंकि दोस्तों जैसे कि लूना कॉइन जब गिरा था तो फिर मार्केट बहुत बुरी तरीके से धड़ाम से गिरी थी। आज फिर हमें यहाँ पर बिटकॉइन 18,000 से भी नीचे जाता हुआ देखने को मिला है। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर बिटकॉइन जो है किस तरीके से यहाँ पर गया है। और आप लोग देख पाएंगे बिटकॉइन के अलावा भी इथेरियम में भी ये 16% तक की गिरावट देखी गई। जो इथेरियम भी था वो भी दोस्तों $1,233 तक नीचे गया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर बात करें सभी की सभी ज्यादातर कॉइन्स हमें 20-30% की गिरावट पर देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा ज्यादा बुरा हाल दोस्तों हम देखते हैं तो यहाँ पर FTT का कॉइन का हो चुका दोस्तों। FTT कॉइन यहाँ पर $2.50 तक गया। जी हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो $26-27 का प्राइसिंग चल रहा था दोस्तों वो अब $2.50 तक गया दोस्तों। और हाल में देखें तो अभी $6 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। सो लूना कॉइन के बाद FTT कॉइन में ये क्रैश देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं उनको विश्वास को हिला दिया दोस्तों। अब मार्केट में दोस्तों ये क्रिप्टो डाउन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सब के पीछे अगर हम देखते हैं तो मार्केट में 2 तरीके की अभी थ्योरी चल रही है। पहली थ्योरी में दोस्तों जो इसका CZ बाइनेंस बाइनेंस का और दोस्तों FTX एक्सचेंज का कंपटीशन माना जा रहा है, जिसमें कि जो बाइनेंस एक्सचेंज की तरफ से CZ बाइनेंस ट्विटर अकाउंट पर यहाँ पर लगातार इसको लेकर दोस्तों FTT को लेकर ट्वीट किए गए हैं और सेलिंग को लेकर ट्वीट किए गए हैं और दोस्तों इसी कंडीशन को लेकर के। तो इसकी वजह से यहाँ पर कुछ बहुत सारे लोग केवल इसी बात को पकड़ के बैठे हुए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज दूसरी थ्योरी और हमें देखने को मिल रही है। दूसरी थ्योरी में दोस्तों जो FTT एक्सचेंज के जो ओनर है उनकी एक और कंपनी है दोस्तों अल्मेदा रिसर्च करके, जो दोस्तों दूसरी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो इन्होंने इस रिसर्च कंपनी के थ्रू अपने ही कॉइन को FTT कॉइन को दोस्तों पंप करवाया, जो प्राइस में हाइकिंग करवाई दोस्तों। सो ये प्रोसेस बहुत बड़ा प्रोसेस रहा दोस्तों, आप लोग अपनी रिसर्च जरूर कर ले। तो इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर बाइनेंस मार्केट का एक बड़ा प्लेयर है तो बाइनेंस के पास सारी खबरें रहती है। तो कहीं ना कहीं बाइनेंस को अपने जो अपना इन्वेस्टमेंट थी उसकी चिंता हुई और यहाँ पर बाइनेंस ने अपना जो नेक्स्ट एक्शन लिया है। तो यहाँ पर ये दो थ्योरी चल रही है, एक तो दोनों एक्सचेंजेस के कंपटीशन को लेकर बात हो रही है, दूसरा बाइनेंस अपना मनी सेव करने के लिए भी इसको सेलिंग कर रहा हो सकता है। तो आप लोग इन दोनों थ्योरी पर जरूर रिसर्च करें और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों ने जो रिसर्च किए तो उसके बेस पर आपको क्या कहना है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो जरा भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतने, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।